स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बीएचयू कॉन्सेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके समक्ष सबसे पहले और सटीक तरीके से आप पास पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बताया गया कि कौन कौन सा डिग्री करने के लिए यानी कौन कौन सा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, बीओएस मतलब बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स में अगर आपको लेना है जैसे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहां पर ऑप्ट करने पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखा डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम ऑफर। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे। यहां पर अगर आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तब इंग्लिश भी करना है लैंग्वेज वाले से, फिजिक्स डोमेन वाले से, ये भी केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इस तरीके से। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आपका 12th में 45% होना मैंडेटरी है। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर उसी तरीके से अगर आप पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप बीओ करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको उसी तरीके से इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा और उसी तरीके से यहां पर 45% भी होना चाहिए। उसी तरीके से सेम है अगर आप वोकेशनल कोर्स में यहां पर जाते हैं तो यहां पर इंग्लिश मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट ये फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए है। आगे चलते हैं, तो आगे उसी तरीके से इसका भी 45% ही है यानी वोकेशनल कोर्स के लिए आपको 45% करना है यानी कि 12th में आपका 45% आपका होना मैंडेटरी है। अब बीए में चलते हैं कि अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है, संस्कृत है तो संस्कृत लैंग्वेज आपको नहीं करना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना है और आपको जनरल टेस्ट यानी सेक्शन थर्ड वाला करना है इस तरीके से। और आपका 50% होना चाहिए 12th में, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब बी ऑनर्स अगर आप पर्शियन में करना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज है पर्शियन, तो यहाँ पर इंग्लिश यानी कि जो सेक्शन 1A है वहाँ से इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेक्शन थर्ड है, उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी आपका 50% 12th में होना चाहिए। और सेम है उसी तरीके से बीए अगर ऑनर्स करना चाहते हैं वुमेन स्टडीज में तो आपको उसी तरीके से इंग्लिश और जनरल टेस्ट करना है और उसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आपको 50% होना चाहिए। और बीए ऑनर्स अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो देखिए हिंदी में करना है लेकिन यहां पर दे दिया इंग्लिश, आपको इंग्लिश ऑप्ट करना पड़ेगा सेक्शन 1A से और जनरल टेस्ट, और यहां पर 50% होना चाहिए, इसमें भी 50% है। अगर आप बीए ऑनर्स होम साइंस में करना चाहते हैं, सॉरी बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं होम साइंस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा सेक्शन 1A से, डोमेन से फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर होम साइंस। मतलब कि आपको ये तीन तो मैंडेटरी है, मतलब इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन आप बायोलॉजी ले सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं या फिर होम साइंस, यानी इन तीनों में आप कोई एक ले सकते हैं और आपका 50% इसमें भी होना चाहिए 12th में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आया हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।